फ्रेंड्स, दिस इज तारका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अ स्पार्कलिंग स्टार। तो दोस्तों, अभी आपने जो देखा ये है यूनिक गिफ्ट। यस, ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये पेपर से बना है। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये पेपर से बना है, ये हैंडमेड है, इट्स DIY। पार्ट वन था सारी बहनों के लिए, क्योंकि उसमें मैंने शेयर किया है कि आप घर पर राखी कैसे बना सकते हैं। और ये है पार्ट टू, जो खासकर सारे भाइयों के लिए है। तो दोस्तों, थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी प्यारी बहन के लिए ये यूनिक गिफ्ट जरूर बनाइए, वो बहुत खुश होगी। अपने जब खुश होते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है ना? तो चलिए साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैंने यहाँ 6 पेपर क्विलिंग स्ट्रिप्स ली हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगी और ये हार्डली कुछ 20 या 30 रुपीज में मिलती है। ग्लू की हेल्प से हम इन्हें ज्वाइंट कर लेंगे। ये क्विलिंग निडल है दोस्तों, जब आप पेपर क्विलिंग स्ट्रिप्स खरीदने जाएंगे स्टेशनरी में तो ये भी आपको वहीं मिल जाएगी। इस निडल के टॉप में एक छेद होता है दोस्तों, बस हमें स्ट्रिप वहीं से इंसर्ट करनी है और रोल करते जाना है। बट ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा टाइट रोल नहीं करना है या बहुत ज़्यादा लूज नहीं करना है, नॉर्मल रोल करते जाना है और एंड में हम ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे। दोनों साइड से होल्ड करने के बाद ही निडल को बाहर खींचना है। अब हम इसका डोम बनाने वाले हैं दोस्तों। आप मोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग शेप देना चाहती हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत तेजी से ये चीज नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, वरना जो हमने रोल किया है वो ओपन हो सकता है। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा। कोशिश करिए कि ये दोनों सेम दिखे, कोई छोटा है या कोई बड़ा ना हो, अगर कुछ भी यहाँ वहाँ है तो उसे एडजस्ट कर लीजिए। मैं इन्हें स्क्वायर शेप दे रही हूँ दोस्तों, अगर आपको ये नहीं देना है तो एज इट इज़ जो राउंड था वैसे ही आप इसे रख सकते हैं, बट स्क्वायर शेप से ये थोड़ा सा ट्रेंडी दिखेगा। तो अब ये फाइनली जुड़वा लग रहे हैं दोस्तों, ये देखिए सेम बन गए हैं। ग्लू की हेल्प से हमने ये जो शेप बनाया है इसे हम फिक्स कर देंगे। ग्लू को बहुत अच्छी तरह से लगाना है। अब ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही हम अगली स्टेप करेंगे। मैं इसमें टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये फिर ना होल्ड करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पिंक कलर यूज़ किया है, आपकी बहन का जो भी पसंदीदार कलर है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं, अब हम अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। डिज़ाइन करने के लिए मैं 3D कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि आप सेम टू सेम डिज़ाइन बनाएं, जो भी आपके मन में आता है, आपको जो अच्छा लगता है आप इस पे बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 3D कोन लाइनर का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है या आपको किसी भी शॉप में ये अवेलेबल नहीं होता है तो आप सिंपल एक्रेलिक कलर से भी इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं, बस थोड़ी सी और मेहनत पड़ेगी आपको। ये लाइनर्स है ना, ये बहुत ईजी हो जाता है। या फिर कोई परमानेंट मार्कर है कलर वाले, नो मार्केट में वो परमानेंट मार्कर्स भी मिल जाते हैं,
थोड़े से शाइनी शिमरी कलर्स होते हैं जिसमें, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, वो तो इससे भी और आसान हो जाएगा। एक और बात फ्रेंड्स, हमने जो शुरुआत में ग्लू का यूज़ किया था इसकी शेप फिक्स करने के लिए, वो तो फटाफट से ड्राई हो गया। उसके बाद हमने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया इसे पेंट करने के लिए, वो भी फटाफट से ड्राई हो गया। बट ये जो 3D कोन लाइनर्स है जिससे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, इसे ड्राई होने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। आप डिज़ाइन करने के लिए परमानेंट मार्कर या फिर एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करते हैं तो ये इयररिंग्स 1 घंटे के अंदर बन जाएंगे। यस, इन्हें ड्राई होने के लिए बहुत कम टाइम लगता है ना, तो ये फटाफट से रेडी हो जाता है। ये डिज़ाइन करना अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या फिर अगर आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो और एक बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है, एकदम सिंपल सा ऑप्शन। देखिए, आपके घर में आपकी सिस्टर के कुछ भी पुराने इयररिंग्स होंगे या कुछ भी आपके घर में मोती या कुछ स्टोन्स पड़े होंगे। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लड़कों के लिए ढूंढना सब चीज़ों को, बट देखिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये यूनिक गिफ्ट है जो आप अपने सिस्टर को गिफ्ट करेंगे। तो घर में अगर कुछ होगा तो आप देखिए, या फिर स्टेशनरी में भी ना छोटे छोटे मोती या छोटे छोटे जो कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मिलती है, छोटे छोटे बीड्स मिलते हैं स्टिक करने के लिए, तो उन्हें आप लाकर, जैसे हमने सबसे पहले डोम बनाया, उसके बाद उसे एक्रेलिक पेंट किया, उसके बाद आप सीधा ग्लू लगा के ना उस स्टोन्स को, पर्ल्स को या आपको जो भी चीज़ मिलेगी उसको डायरेक्ट स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। अब इन्हें सील करने के लिए मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। बट अगर करते हैं तो ये एकदम चमकने लगेंगे, शाइन आ जाएगी इन पे। इन्हें हेड पिंस कहते हैं दोस्तों, ये भी शॉप में मिल जाती है, बट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप एक घरेलू जुगाड़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है ना, थोड़ी सी मोटी वाली वायर, उसमें से आप ये एक तार का टुकड़ा निकाल सकते हैं, और ये जो ईयर वायर मैंने लगाया है जो कान में पहना जाता है, वो भी मिलता है शॉप में, बट अगर आपको नहीं अवेलेबल होता है तो आप अपनी सिस्टर की कोई भी पुरानी इयररिंग्स से उसे निकाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यूनिक हैंडमेड पेपर इयररिंग्स एकदम रेडी है। आई होप ये आइडिया आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? तो फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके हैंडमेड पेपर इयररिंग्स कैसे बने हैं ये मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यस सब्सक्राइब तो याद से कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। टाटा।